बहुत ऐसे केस आते हैं, खासकर जिन्होंने एक हफ्ता पहले कंप्लीट चेकअप करवाया होता है, वो भी नॉर्मल है, कोई रिस्क फैक्टर नहीं, योगा करते हैं, भागते हैं, फिट हैं, जैसे नो स्ट्रेस इवन एट वर्क। आई थिंक ऐसे केसेस में इट्स अ डिफिकल्ट सिचुएशन, दैट इज़ वाई आई सेड इन द बिगनिंग कि हमें बहुत रिसर्च की ज़रूरत है, हमें और पता करना है रोल ऑफ इन्फेक्शन, रोल ऑफ पेस्टिसाइड, फूड प्रोडक्ट, कई चीज़ें एंड मोर ऑफ जीन्स, तो सब यू नो ओवर मेटिकुलसनेस इज ऑल्सो ए रिस्क फैक्टर्स। तो ऐसे में देर इज़ ए नीड ऑफ आइडेंटिफाइंग मोर रिस्क फैक्टर्स, यू नो। तो एक डॉक्टर जो है चेकअप के अलावा ही हैज़ टू टेक गुड हिस्ट्री ऑफ द पेशेंट, पर्सनैलिटी ऑफ द पेशेंट, फैमिली हिस्ट्री ऑफ द पेशेंट और इंडिविजुअल यू कैन कॉल इट, तो उससे थोड़ी सी एवेल्यूएशन ज़रूर हो जाती है। जहाँ थोड़ी सी शक पड़ती हो, तो आजकल टेस्ट इतने इजी है, हमने 98 से हम कर रहे हैं, जिसको हमने नाम दिया मेट्रो कोरोनरी स्क्रीनिंग, टेक्स 3 मिनट्स, यू नो, कोई कपड़े नहीं डालने, कुछ नहीं, जस्ट लेटना है और 3 मिनट में हम आर्टरी चेक करके पता लग जाता है। अगर अर्ली कोरोनरी प्रॉब्लम है तो उसका बंदोबस्त किया जाता है। सिमिलरली सीटी एंड जो दैट हैज आल्सो अ लॉट ऑफ एडवांटेजेस, तो डिपेंडिंग अपॉन द पेशेंट टेस्ट कैन बी डन।